अंतरिक्ष से आई चीनी रॉकेट की तस्वीर, अंतरिक्ष से भाई चीनी रॉकेट की पहली तस्वीर आ चुकी है। क्या अमेरिका करेगा रॉकेट को नष्ट? ये सवाल भी लोगों के मन के अंदर चलने लग रहा है और ये खबरों के अंदर भी है। क्या अमेरिका इस चीनी रॉकेट को नष्ट कर देगा धरती पर गिरने से पहले? तो ये खबर जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लॉन्ग मार्च 5B जो चीन का जो रॉकेट है, जो धीरे धीरे धरती के करीब आते जाने लग रहा है, ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर को पूर्णतः बर्बाद कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही तेज गति से धरती की तरफ बढ़ता हुआ आने लग रहा है। ठीक है, रॉकेट की इतनी तेज गति देखकर अमेरिका के जो न्यूयॉर्क वासी हैं उनकी भी लगभग नींदें उड़ चुकी हैं। क्यों उड़ चुकी हैं? क्योंकि रॉकेट बहुत ही ज्यादा वजनी रॉकेट है, 21 टन इसका वजन है और ये 100 फुट लंबा है, जो अगर कहीं पर भी अगर किसी भी इलाके के अंदर गिरता है तो उस इलाके को पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। रॉकेट की पहली तस्वीर भी जारी हो चुकी है। ये जो आप लोगों को ये जो लाइट सस्ती हुई दिखाई देने लग रही है, ये रॉकेट की पहली तस्वीर है जो कि इटली से ली गई है। इटली के जो वैज्ञानिक है उन्होंने टेलीस्कोप से इस तस्वीर को लिया है, जो आपको ये लाइट सस्ती हुई दिखाई देने लग रही है, ये रॉकेट की पहली तस्वीर है। और इसे देखकर लगभग सभी लोगों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि ये बहुत ही तेज गति से धरती की तरफ बढ़ते हुए आने लग रहा है और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पर इसकी गिरने की संभावना ज्यादा है। ऐसा जो आपके इस सैटेलाइट एक्सपर्ट हैं, जो ये इसको सैटेलाइट को ट्रैक करते हैं, इन एजेंसियों ने इसका दावा किया है। ठीक है, रॉकेट का बहुत ही मतलब बुरा हाल हो चुका है। वैसे साइंटिस्टों ने ये भी कहा है, जैसे ये धरती के वातावरण के अंदर प्रवेश करेगा तो लगभग ये अपने आप ही जलकर राख हो जाएगा। ठीक है, ये देखो आप लोग, ये तस्वीर भी जारी की, इसके अंदर ये लपटों से पूरी तरीके से भरा हुआ आने लग रहा है ये रॉकेट धरती की तरफ। ये रॉकेट धरती के लिए तो खतरा है ही है, उसके साथ जो अंतरिक्ष में जो सैकड़ों सैटेलाइट घूमने लग रहे हैं अपने, जो ये सब कुछ बताते हैं, टीवी वगैरह जिससे चलता है, फोन वगैरह, तो इन सब के लिए भी ये खतरा है, ये इनको भी नष्ट कर सकता है, क्योंकि इसकी गति बहुत ही ज्यादा तेज है और ये किसी से भी टकरा सकता है। जब चाइना ने ये रॉकेट छोड़ा था तो उस टाइम चाइना के ही एक वेरीफाइड अकाउंट से ये तस्वीर जारी की गई थी कि ये देखिए कि हम लोग तो यहां पर रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने लग रहे हैं, अपना खुद का स्पेस स्टेशन स्थापित करने लग रहे हैं और भारत वाले कोरोना से पीड़ित होकर और चिताओं को जलाने लग रहे हैं। ऐसी तस्वीर जारी की थी चाइना के लोगों ने, जो कि बेहद ही निंदनीय थी, सारे के सारे विश्व में इनकी थू-थू हुई थी। ठीक है, बाद में हालांकि ये तस्वीर हटा ली गई, इस तस्वीर को डिलीट कर दिया गया, लेकिन फिर भी ये तस्वीर खबरों के अंदर छाई रही, क्योंकि ये सब दर्शाता है चीन वालों की कैसी सोच है। हालांकि कुछ जो स्पेस एजेंसियां हैं, जो आपकी सैटेलाइट ट्रैकिंग एजेंसियां, उन्होंने ये दावा किया है कि ये आपका 8 मई यानी शनिवार को आज भी गिर सकता है, ये आज शाम तक, या फिर 9 मई को सुबह 9:56 पर ये धरती के वातावरण के अंदर प्रवेश लगभग कर जाएगा। ऐसा जो अलग अलग जो भी सैटेलाइट जो एजेंसियां हैं उन्होंने, सैटेलाइट ट्रैकिंग एजेंसियां, उन्होंने इस बात का दावा किया है। साथ के साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि जैसे ये धरती के वातावरण के अंदर प्रवेश करेगा तो लगभग इसका जो हिस्सा है वो अपने आप ही जलकर राख हो जाएगा, तो इसलिए लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अमेरिका ने ऐसे कहा, इसका मलबा तो लोगों के ऊपर आके पड़ेगा ही, जल गया तो क्या बात हुई, इसका मलबा तो लोगों के ऊपर आके पड़ेगा, इसलिए अमेरिका के वासी चिंतित हैं, क्योंकि जो सैटेलाइट ट्रैकिंग एजेंसी है उन्होंने ये कहा भाई इसकी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के अंदर गिरने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है। तो अब लोगों के मन के अंदर एक ये सवाल भी है, क्या अमेरिका इस रॉकेट को नष्ट नहीं कर सकता? क्या अमेरिका के पास इतनी ताकत नहीं है कि क्या वो इस रॉकेट को नष्ट कर दे हवा के अंदर ही? तो इसका जवाब है जी हाँ, रॉकेट को नष्ट कर सकता है अमेरिका, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं करेगा। ऐसा ना करने के पीछे अमेरिका ने दो कारण बताए हैं। एक तो ये कि अगर वो हवा के अंदर इस रॉकेट को नष्ट कर देता है अपनी मिसाइलों के साथ, तो भी इसका मलबा उसी के शहर के लोगों के ऊपर पड़ेगा, जिससे लोगों की जान को और भी खतरा हो जाएगा। बाय चांस अगर गलती से, क्या पता ये शहर के ऊपर गिरे ही ना, किसी समुद्र के अंदर जाके गिर जाए अपने आप ही, इसका मतलब इसकी जो गति है और इसकी दिशा है उसके अंदर अपने आप ही भगवान की दया से ऐसा परिवर्तन हो जाए कि ये अपने आप ही समुद्र के अंदर जाके गिर जाए, तो ऐसा रिस्क वो उठाना नहीं चाहते। और इसका दूसरा कारण ये है, अमेरिका ने ये संधि की हुई है कि भाई वो कभी भी मतलब स्पेस के अंदर अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करेगा। ऐसा एक बार पहले भी हुआ था कि अमेरिका ने मतलब हवा के अंदर ही एक रॉकेट को इसी प्रकार से नष्ट कर दिया था, लेकिन उस पर कुछ और देशों ने यह टिप्पणी की थी भाई अमेरिका अपनी ताकत का प्रदर्शन करने लग रहा है तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए उसके बाद से ये समझौता हुआ सभी देशों के अंदर कि कोई भी स्पेस के अंदर अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेगा, तो इसलिए अमेरिका इस रॉकेट को नष्ट नहीं करेगा। इसके दो कारण मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। हालांकि
अमेरिकी जो रक्षा मंत्रालय वहां से कोई भी अभी तक मतलब ये स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई। ऐसा रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भाई ये रॉकेट कहां पर गिरेगा, ठीक है, ये आपका शनिवार को मतलब आज 8 मई को भी गिर सकता है और ये आपका 9 मई को सुबह 9:56 पर भी धरती के वातावरण के अंदर प्रवेश कर सकता है, ये कभी भी धरती के ऊपर गिर सकता है, ठीक है। हालांकि चाइना ने ये कहा भाई उनका ये रॉकेट है वो कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा, ये अपने आप ही नष्ट हो जाएगा और ये समुद्र के अंदर ही गिरेगा, ऐसा चाइना की तरफ से जवाब आया। हालांकि चाइना ने बहुत देर बाद अपनी तरफ से कोई जवाब दिया है, पहले तो उन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया था, ठीक है। आप लोगों को बता दूं कि मैं भाई ये वही रॉकेट है आप लोगों जो कि चाइना का जो अंतरिक्ष जो प्रोग्राम है कि भाई वो भी अंतरिक्ष के अंदर अपना खुद का स्पेस स्टेशन स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके उद्देश्य से ये रॉकेट इस स्पेस स्टेशन के सामान को अंतरिक्ष के अंदर लेके गया था और इसको छोड़ के आया था, वहां पर स्थापित करके आया था, लेकिन वापस आते वक्त ये लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है ये अनियंत्रित हो गया और अब अनियंत्रित गति से और दिशाहीन गति से अब ये धरती की तरफ लगातार बढ़ता हुआ आने लग रहा है और धरती के लिए, धरतीवासियों के लिए, सभी के लिए खतरा है। कोरोना महामारी तो थी, साथ के साथ अब ये भी एक खतरा बन के आने लग रहा है धरती की तरफ। और इसके बारे में चीन की जो एक ग्लोबल टाइम्स नाम की न्यूज एजेंसी, उसने ये कहा भाई इसके ऊपर एल्यूमिनियम की लेयर लगी हुई है जिससे ये अपने आप ही धरती के वातावरण में आने के बाद अपने आप ही नष्ट हो जाएगा, तो इसलिए इससे हमें अब कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो अलग अलग जो स्पेस ट्रैकिंग एजेंसियां हैं, सेटेलाइट ट्रैकिंग एजेंसियां, उन्होंने ये कहा है कि भाई ये खतरा है और ये कहीं पर भी गिर सकता है। हालांकि ये चीन की एक जिद है कि भाई वो अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा। इससे पहले अमेरिका और रूस ने अपना अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन स्थापित कर रखा है, चीन भी एक खुद का स्पेस स्टेशन बनाने के चक्कर में ये सारा का सारा सिस्टम होने लग रहा है। चीन ने अभी ये कहा है कि अभी हम 11 रॉकेट और भेजेंगे, ऐसे 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 अभी 11 रॉकेट और भेजेंगे अंतरिक्ष के अंदर, जिनसे इसी प्रकार का मतलब ये सामान ऊपर लेके जाया जाएगा, जो ये स्पेस आप लोगों का स्पेस सेंटर स्थापित किया जाएगा, इसका जो सामान है, इसका जो मॉड्यूल है, इसको 11 रॉकेटों के अंदर भेजा जाएगा, मतलब 11 रॉकेट और जाएंगे और इसी प्रकार से ये समझो भाई खतरा आने की पूरी पूरी संभावना है। क्या पता कब चीन अपने उस रॉकेट के ऊपर से नियंत्रण खो दे और वो धरती के ऊपर आ गिरे, ठीक है भाई। तो ये आप लोगों को सूचना देनी थी, धन्यवाद।